महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, मराठवाड़ा में 4 से 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। जालना, नांदेड़ पर और साथ ही परभणी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिंगोली, वाशिम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:15 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भूकंप के झटके 4 से 4.5 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है। तो ये भूकंप के झटके कई जिलों में महसूस किए गए, कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। जालना में, नांदेड़ में, परभणी में भूकंप के झटके, साथ ही हिंगोली, वाशिम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि आज सुबह 7:15 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके जब आए तो घरों के अंदर क्या स्थिति थी। बिग वॉल के माध्यम से ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, देखिए पंखे हिलने लगे और कई मकानों में हल्की दरारें भी देखी जा रही हैं। ये दो तस्वीरें हैं मराठवाड़ा से जो आई हैं हम तक। और भूकंप के झटके आज सुबह 7:15 पर महाराष्ट्र में महसूस किए गए, जिसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव हमारे साथ, राजीव सिंह संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है, नुकसान हुआ है कोई या फिर सिर्फ मामूली झटके थे इन इलाकों में जो लोगों ने महसूस किए? देखिए, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताई गई है। जान माल के नुकसान की खबर अभी शुरुआती तौर पर जो है नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि चूंकि ये ग्रामीण इलाकों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इस वजह से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। लोग काफी डर गए थे, घर के सामान, पंखे जैसे तमाम चीजें जो है हिलने लगी, वाइब्रेट होने लगी, तो लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। थोड़ी देर के लिए एकदम पैनिक सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। 5 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला, तो काफी बड़े पैमाने पर ये भूकंप था जिसने मराठवाड़ा के जालना, परभणी, हिंगोली, वासिम, इन तमाम 5 जिलों को अपने कह सकते हैं कि उस पर प्रभाव डाला, लेकिन अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बिल्कुल राजीव, अच्छी बात यही है कि किसी भी जगह से जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। ये जरूर है कि लोगों ने इन झटकों को महसूस किया और अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राजीव आपका।